सुबाइदवीर सैयद शमशाम अली शाह बुखारी को महकमे फिशरीज और वाइल्ड लाइफ का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विदारत मलिक असद खोखर के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। आटा माफिया ने अवाम को लूटने का अनोखा तरीकाकार निकाल लिया है। हुकूमत ने 20 किलो थैले की कीमत मुकर्रर की है। फ्लोर मिल्स ने 25 किलो का थैला निकाल कर महंगा बेचना शुरू कर दिया। शहर में आटे की फराहमी भी मामूल पर नहीं आ सकी है। मुख्तलिफ इलाकों के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे और चीनी की किल्लत बरकरार है। मार्केट में 25 किलो का थैला 1350 से 1380 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ईद से चंद रोज कबल ही मुनाफा और माफिया ने छुरियां तेज कर ली। सब्जियां सरकारी निरखनामे में महंगी कर दी गईं। प्याज सरकारी कीमत 35 की बजाय 60 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर सरकारी कीमत 85 की बजाय 120 रुपए किलो पर फरोख्त। लहसुन देसी सरकारी कीमत 185 की बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त। मेट्रोपॉलिटन के कंट्रोल्ड एरियाज में 248 खतरनाक इमारतों का इंकशाफ। मखदूश इमारतों में मुकीम हजारों शहरियों की जिंदगियां दांव पर। दादागंज बख्श जोन में 145 मखदूश इमारतों की निशानदही। 145 में से 64 मखदूश इमारतों को मिसमार कर दिया गया। 59 इमारतों की बहाली दरकार, जबकि मजीद 9 इमारतें रिहायश के काबिल भी नहीं। रिवर आवी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट जोन के लिए अथॉरिटी बन गई। अथॉरिटी के कयाम से LDA का अमल दखल खत्म। रावी जोन मंसूबे की निगरानी बराह रास्त वजीर आजम पाकिस्तान करेंगे। 1,00,000 एकड़ पर मुश्तमिल फेज 1 का मास्टर प्लान, बिल्डिंग एंड जोनिंग रूल्स, लैंड यूज अलहदा बनाए जाएंगे। इब्तदाई प्लान में LDA के SPU ने रिवर रावी जोन प्रोजेक्ट की प्लानिंग की। कमिश्नर लाहौर के लिए 3 उम्मीदवार सामने आ गए। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी मजबूत उम्मीदवार। सेक्रेटरी लेबर मोहम्मद आमिर जान का नाम कमिश्नर लाहौर के लिए सामने आ गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जुल्फिकार अहमद घुम्मन भी मजबूत उम्मीदवार। महकमा SNGAD ने कमिश्नर के लिए काम शुरू कर दिया। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, काली घटाओं, ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया। मुगलपुरा, फिरोजपुर रोड, शाहदरा मॉल रोड, टाउनशिप मॉडल टाउन और मरगदार कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई।